नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, हमने 5000 प्लस प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है दोस्तों, जिसका प्रैक्टिस सेट 2 इस वीडियो में कवर किया गया है दोस्तों। और हर प्रैक्टिस सेट में आपसे 25 प्रश्न करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। अगर आपने सभी सेट कंप्लीट कर लिया तो इससे बाहर आपको परीक्षा में कुछ देखने को नहीं मिलेगा और आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो अंत तक वीडियो देखिएगा दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अत्यधिक शराब सेवन से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन है एक यकृत, दो फेफड़ा, तीन हृदय, चार गला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक यकृत। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है एक ऑक्सीजन पहुंचाना, दो रक्तचाप पर नियंत्रण, तीन शरीर को बीमारियों से बचाना, चार उपर्युक्त तीनों कार्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, शरीर को बीमारियों से बचाना। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एक एंड्रोलॉजी, दो फाइकोलॉजी, तीन माइकोलॉजी, तीन जीरेंटोलॉजी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, जीरेंटोलॉजी। चलिए आगे और बढ़ते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? एक विटामिन डी, दो विटामिन सी, तीन विटामिन ए, बी चार विटामिन बी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, विटामिन सी। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं अगला प्रश्न, डायनेमो का क्या कार्य है? एक ऊर्जा संचित करना, दो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तीन यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? एक अमीटर, दो वोल्टमीटर, तीन हाइग्रोमीटर, चार हाइड्रोमीटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, अमीटर। तो चलिए दोस्तों आगे और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एक कोपरनिक्स, तीन थॉमसन, दो थॉमसन, तीन केपलर, चार रदरफोर्ड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, केपलर। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? एक नाभिकीय विखंडन, दो नाभिकीय संलयन, तीन नाभिकीय विखंडन तथा संलयन, चार इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, नाभिकीय संलयन। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? एक 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, दो 9 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर, तीन 69 किलोग्राम प्रति मीटर, चार 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस एक Pb3O4, दो O2, थ्री CO, फोर C6। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, Pb3O4। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? एक श्रव्य तरंगे, दो प्राश्रव्य तरंगे, तीन अपश्रव्य तरंगे, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, प्राश्रव्य तरंगे। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? एक लाल में, दो हरा में, तीन बैगनी में, चार पीले में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बैगनी में। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं अगला प्रश्न, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? एक अकबर ने, दो अलाउद्दीन खिलजी ने, तीन अशोक ने, चार तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? एक कुंवर सिंह, दो वीर सिंह देव बुंदेला, तीन प्रताप चंद्र, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, वीर सिंह देव बुंदेला। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, 1900 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? एक कमला गांगुली, दो इंदिरा गांधी, तीन फातिमा शेख, चार एनी बेसेंट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, कमला गांगुली। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? एक जवाहरलाल नेहरू, दो बाल गंगाधर तिलक,
तीन भीमराव अंबेडकर, चार अरविंद लाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, भीमराव अंबेडकर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? एक राष्ट्रपति, दो प्रधानमंत्री, तीन सर्वोच्च न्यायालय, चार निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, निर्वाचन आयोग। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? एक अनुच्छेद 54, दो अनुच्छेद 55, तीन अनुच्छेद 90, चार अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? एक मध्य प्रदेश, दो बिहार, तीन राजस्थान, चार उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एक कुक, वेनन, वेंजुएला, दो जोग भारत, तीन साल्टो एंजिल वेंजुएला, चार नियाग्रा कनाडा तथा अमेरिका की सीमा पर है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, दो साल्टो एंजिल होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन तीन होना चाहिए, साल्टो एंजिल जो कि वेंजुएला में है, साल्टो एंजिल ऑप्शन तीन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? एक गोवा, दो महाराष्ट्र, तीन राजस्थान, चार बिहार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, बिहार। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? एक चयनित, दो उद्योग, तीन आधारभूत संरचना, चार चयनित आधारभूत उद्योग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, चयनित आधारभूत उद्योग। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के शोक में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रगान बना, वह गीत क्या था? देखते हैं, एक जनगणमन, दो आमार सोनार बांग्ला, तीन वंदे मातरम, चार में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पोलो में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या होती है? एक 10, दो 7, तीन 4, चार 11। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, चार, प्रत्येक पक्ष में चार खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आखिरी प्रश्न क्या है, सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं, एक 17 जुलाई 2017, दो 1 जुलाई 2017, तीन 25 सितंबर 2017, चार 31 दिसंबर 2018। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, 25 सितंबर 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की घोषणा की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा 25 सितंबर 2017 को। तो चलिए आपके लिए जो प्रश्न है देख लेते हैं, आपके लिए क्या प्रश्न है। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, शादी शगुन योजना का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में किया था कि शादी शगुन योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, कब हुआ था, तो उसका उद्देश्य आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं प्रैक्टिस सेट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा और उसका लाभ पाते रहिएगा दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।